गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फोर के लिए चैप्टर फोर। जो आपकी चैप्टर थ्री कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर जिसका नाम है क्राइम नेवर पेज। इसका मतलब क्या होता है कि अपराध जो होता है, क्राइम मीन्स होता है अपराध, अपराध जो होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है। इसका पार्ट वन, इसमें क्या बताया गया, ये एक प्ले है जिसमें बताया गया है कि टू यंग मैन है, सरजू और तारा। सरजू और तारा जो होते हैं ये क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए एक गांव में जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो सरजू होता है ये क्या करते हैं, अपना जो पैसा होता है उसको एक ऑर्किड यानी फलों के बगीचे में गाड़ देते हैं। उसके बाद में क्या होता है वो हम देखेंगे चैप्टर में। अब देखो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, पहले तो आपको बताते हैं कैरेक्टर्स। CHARACTERS ये जो एक नाटक है, प्ले है, इसमें कौन कौन जो है वो रोल कर रहे हैं, कैरेक्टर्स इन द प्ले। इसमें एक तो सरजू और एक तारा, टू यंग मैन है, आपको अभी बताया था सरजू एंड तारा, ये तो हैं टू यंग मैन है इन अ विलेज, जो एक विलेज में गांव में रहते हैं। टू यंग मैन जो कहां पर रहते हैं, एक गांव में। ओके, और इसके अलावा चेतन, चेतन कौन है, चेतन जो एक सरजू है इसके फादर का नाम है चेतन, सरजूस फादर, सरजू के फादर का नाम है चेतन। और इसके अलावा हेडमैन है, हेडमैन मतलब हेड है, कौन है द हेड, जो उसका मेन है, प्रधान है उसका द हेड, और विलेज का नाम है धमपुर, द हेड ऑफ धमपुर विलेज। तो इनमें जब लड़ाई हो जाती है तो ये कहाँ पर जाते हैं, ये जो हेड है धमपुर विलेज का इसके पास में वो जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। विलेज धमपुर द इनसाइड ऑफ ए स्मॉल हट, ये बताया कि सीन कहाँ का है, ये विलेज धमपुर है, गांव का नाम है धमपुर, और ये जो बातें कर रहे हैं लोग, जो इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, ये कहाँ पर चल रहा है, स्मॉल हट एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर वो बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं, सरजू एंड हिज फादर आर सिटिंग ऑन ए कॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ये जो सरजू था, सरजू और तारा थे दो फ्रेंड, तो इनमें से जो सरजू है और उसके फादर ये कहाँ पर बैठे हैं, ऑन ए कॉट एक चारपाई पर बैठे हैं, टॉकिंग टू ईच अदर और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब देखो सरजू क्या बोलता है, सरजू बोलता है फादर आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर। सरजू बोलता है कि फादर आई एम टायर्ड ऑफ, कि मैं थक गया हूँ, किससे थक गया हूँ, कि मैं अपनी गरीबी से थक चुका हूँ, तो आई वॉन्ट टू बिकम रिच क्विकली। तो वो क्या करना चाहता था, वो ये कहता है कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच क्विकली, क्विकली मीन्स होता है जल्दी से, वो कहता है कि मैं जल्दी से ही रिच बनना चाहता हूँ, धनी बनना चाहता हूँ। तो इसके लिए वो बताता है कि आई हैव अ प्लान, कि मेरे पास एक प्लान है, किसका प्लान है, जिसकी जल्दी से ही रिच बन जाए, बट आई विल नीड माई फ्रेंड तारास हेल्प टू कैरी इट आउट। लेकिन वो कहता है कि लेकिन रिच बनने का प्लान तो है मेरे पास में, लेकिन इसके लिए मेरे को नीड में से तो जरूरत होगी, किस चीज़ की जरूरत होगी, मेरे फ्रेंड तारा जो है उसकी हेल्प की जरूरत होगी, कि इसको जब हम पूरा करेंगे, इस काम को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि रिच बनने के लिए तारा की हेल्प की जरूरत है। अब देखो आगे है चेतन, चेतन कौन है, सरजू के पापा, सरजू के फादर हैं। तो वो ये बोलते हैं कि सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो, किसके लिए वेट कर रहे हो, गो एंड लुक फॉर हिम,
देख जाओ और किसको देखो, जो तुम्हारा फ्रेंड तारा है उसको देखो, एंड पुट योर प्लान इनटू एक्शन, और तुम्हारा जो प्लान तुमने बनाया है उसको क्या करो, उसको मतलब एक्शन में लाओ। यू हैव माई ब्लेसिंग्स, कि मेरा जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग मिस होता है आशीर्वाद, कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एज दे आर टॉकिंग, जब वो दोनों बात कर रहे थे, कौन, सरजू और उसके पापा बात कर रहे थे, तभी क्या हुआ, ऑन द स्पॉट तारा कमिंग टुवर्ड्स द हट, तारा जो है वो उनको हट की तरफ आते हुए दिखाई देता है, झोंपड़ी की तरफ जहाँ पर वो बैठे थे, वहाँ पर आता हुआ जो उसका फ्रेंड होता है, सरजू का फ्रेंड तारा जो होता है वो उनको आता हुआ दिखाई देता है। अब सरजू आ गया, और सरजू क्या बोल रहा है कि वेल, नहीं तो सरजू बोला वेल हियर कम्स तारा हिमसेल्फ, सरजू बोलता है कि देखो तारा तो खुद ही यहाँ पर आ गया। तारा बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल। अब तारा जो है ये सरजू का जो ये है ना, सरजू के जो फादर हैं उनसे क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग अंकल बोलता है, और हेलो बोलता है सरजू से। व्हाट आर यू डिस्कसिंग, अब वो पूछता है कौन, तारा, तारा जो है ये बोलता है कि तुम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। अब सरजू जो होता है वो इसका आंसर देता है, जब तारा पूछता है कि व्हाट आर यू डिस्कसिंग फॉर, तो सरजू जो होता है इसका जवाब देता है, क्या क्या बोलता है कि तारा यू नो, कि तारा तुम जानते हो कि इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी इन धम्पो, कि जैसा कि तुम जानते हो कि इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, कि बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है क्या चीज़, टू अर्न मनी इन धम्पो, कि धम्पो जो हमारा गांव है यहाँ पर पैसा कमाना, अर्न मनी में होता है पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। तो व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ गोइंग टू द सिटी एंड फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ मेकिंग मनी। तो ये बोलता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ गोइंग टू द सिटी, कि तुम शहर जाने के बारे में क्या सोचते हो, एंड फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ, न्यू वेज मीन्स होता है नए तरीके, वे मीन्स रास्ता भी होता है और तरीका भी होता है, कि हम क्या करेंगे कि वहाँ पर पैसा कमाने के नए नए तरीके हम खोजेंगे, कि शहर जो होता है वो ये सोचता है कि गांव में तो पैसा कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, लेकिन जब हम शहर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। आफ्टर ऑल वी हैव टू लुक आफ्टर अवर फैमिलीज, अब वो ये बोलता है कि आफ्टर ऑल कि ये तो तय है कि हमें क्या करना है, लुक आफ्टर मीन्स होता है केयर करना, देखभाल करना अवर फैमिलीज की, हमें, हम दोनों को अपनी फैमिलीज की केयर करनी है। क्लास फोर्थ, ये आपका यहाँ तक ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर फोर जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।